आइए आज दिखाते हैं मधु कैसे निकाला जाता है। आप देख सकते हैं सेफ्टी अप्लायंस यूज किए गए हैं। सू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं फुल बूट। मेरे पास में जिससे जलते हैं हम तो दूरी बनाए हैं। चेक करें इसमें मधु है कि ऊपर वाला मधु रहता है ना नीचे वाला ऊपर वाला अभी जो देख रहे हैं नीचे वाला में उसका अपना इसमें कितना कितना है कितना घाट बना हुआ उसमें 9 घाट है। रानी खोज रहे हैं क्या? रानी डबल होने से एक मधुमक्खी को ढूंढ लेकर निकल जाते हैं। इस तरह से चेक कर ले रानी एक बक्सा में एक ही रानी रहता है। साइज थोड़ा सा बड़ा है। दूसरा बक्सा खोला जा रहा है तो मधु उतना नहीं मिलता जिससे भी छोड़ दिया गया। किस्मत खराब है किसी में मधु नहीं निकला एक समय निकला देखे इधर लाइए पूरा खिला पड़ा था ना। हाँ मधु देख रहे हैं आप इसमें निकला है
ये रहा मशीन, मधु निकालने का जुगाड़ देख सकते। जो होल बंद रहता है स्क्रीन के रहता है ना, तो मजे भीतर में आता है। ज़्यादा समय होने से पूरा बंद कर देते हैं।
कोई खुलेगा ना रिसर्च से जो है बाहर छोटा जो अंडा है हाँ, ये लड़की है मगर लड़की होने का साइज हाँ, बड़ा हो जाता है मादा है ये नर है ये मादा मादा का साइज बड़ा, बड़ा हो जाता है हाँ, बड़ा हो जाता है मधुमक्खी का आवाज सुन पा रहे हैं भागना पड़ेगा बदन में टच किया तो शक्ति में है बिना शक्ति का है कितना किलोमीटर दायरा में लोग किलोमीटर रेडियस में तीन से चार किलोमीटर तीन चार किलोमीटर दूर जाता है रेडियस में हाँ मधु कलेक्ट करके फिर लेके आके ऐसा रखे भाई ना कि हाँ और आओ बाहरी चले जा हाँ जी ये अंतिम बाहरी चले हाँ तीन चार किलोमीटर पर तो रह जाए तो पर हमारे फिरे हुआ सर हाँ যত্ন না করলে ও সবার ঘরে থাকে না কি আমার এখান থেকে তো কয়েকজনই তো বাক্স তৈরি করে রানি তৈরি করে নিয়ে গেল তিন চার হাজার খরচাও করলো মানে বাক্স তৈরি করতে তো পয়সা লাগে কিন্তু রইল না রওয়ার কারণই হলো ছুঁয়াছুতের না যে বাচ্চা যার কোলে আদর পাবে সেই বাচ্চা তার কোলে যাবে তো বাস তো সেই রকমই মনে করুন